السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ویلکم ٹو اینگلو اردو ہائی اسکول انگلش میڈیم اسٹینڈرڈ 10 سبجیکٹ انگلش چیپٹر نمبر 4 پوئم 4 امینڈا اوکے ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا 10 ٹو 12 ایئر اولڈ گرل امینڈا اوکے एक 10 से 12 बरस की लड़की है जिसका नाम अमेंडा है. दिस पोएम इज ऑल अबाउट दिस गर्ल. एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanza, you are in for a surprise. Okay, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि their parents have to be controlled them. Okay, हमेशा instruction देते रहते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो वगैरह. Okay, तो उन्हें क्या लगता है कि हमारी freedom जो है वो कैसी है, बंधी हुई है. हमको पूरी जैसी freedom liberation चाहिए वैसी liberation liberate life हम जी नहीं पा रहे. Okay, so यहाँ पर एक ऐसी ही लड़की की बात है. वो feels that his mother snatch her freedom. Okay, so let's start with the first stanza. देखिए यहाँ पर पूरी पोयम में देर आर सर्टेन स्टांजा विच इज इन ब्रैकेट लाइक सेकेंड स्टांजा फोर्थ स्टांजा एंड सिक्स स्टांजा. ओके सो ये जो स्टांजा है ना वो अमांडा की थॉट है जो वो खुद सोच रही है और जो विदाउट जो ब्रैकेट है वो स्टांजा जो है उसके जो मदर है वो उससे बात कर रही है. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. What her mom tells her, Amanda, that don't bite your nails. तुम्हारे जो nails है उसको bite मत करो. बच्चे होते हैं ना छोटे वो जो nails को ऐसा मुँह में mouth में लेकर मुँह में लेकर ऐसा उसको खाते हैं बराबर. तो इट्स अ बैड हैबिट इसलिए अमांडा ऐसा कर रही है. तो उसके पेरेंट्स उसकी मामा उसको बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स डोंट हंच योर शोल्डर. हंच दैट मीन्स के बैंड होना. तुम्हारे शोल्डर को बैंड मत करो अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग दैट इसका स्लाउचिंग का मीनिंग होता है सिट इन अ लेजी वे. ओके पहले तो क्या बोला अमांडा को उसकी मदर ने कि तुम बाइट मत करो नेल्स को. ओके सेकेंड थिंग इज दैट कि शोल्डर ऐसा बैंड कर कर मत बैठो बराबर अच्छे से बैठो. थर्ड थिंग उसको यूँ बोली कि इस तरीके से स्लोचिंग यानी लेजी वे में बैठना छोड़ दो एंड सिट अप स्ट्रेट और अच्छे से स्ट्रेट बैठो. सो अमांडा यहाँ पर क्या कर रही है बाइट कर रही है नेल्स को ऐसे उसकी शोल्डर झुके हुए है और खुद भी ऐसा लेजी लेजी बैठी हुई है. बाबा ज़रा भी एनर्जेटिक नहीं है. उसके लिए उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं. सेकेंड स्टांजा में अमांडा क्या सोच रही है. एट द टाइम देयर इज अ लैंग्यूड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. क्या बोल रही है कि मैं चाहती हूँ कि एक रिलैक्स लैंग्वेज दैट मीन्स के रिलैक्स एमराल्ड सी हो. एमराल्ड एमराल्ड एक बहुत कीमती जेम्स है उसका नाम एमराल्ड है. ओके नेम ऑफ द जेम. ओके एक जेम है जिसका नाम एमराल्ड है. तो एक बहुत रिलैक्स्ड जहाँ पे बहुत सारे एमराल्ड हो ऐसा सी हो ऐसा दरिया हो. वेयर द सोल हैबिटेंट इज मी और वहाँ सिर्फ मैं ही रहती हूँ. सोल यानी मैं ही सिर्फ लोनली. ओके ओनली वन और इनहैबिटेंट यानी वहाँ पर रहना. सिर्फ वो सी के पास मैं ही रहती हूँ सिर्फ वहाँ पर मैं ही हूँ. ओनली मी अ मरमेड ड्रिफ्टफुली ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ओके और मैं कैसी हूँ वहाँ पर जल परी की तरह ब्लिसफुली पीसफुली वहाँ पर ड्रिफ्ट करती रहती हूँ. बस यानी अमांडा है ना वो अमांडा को कोई आसपास उसे कोई भी डिस्टरबेंस करने वाला नहीं चाहिए. उसे बहुत ट्रैंक्विल लाइफ जीनी है.
बराबर पीसफुल लाइफ जीनी है अमांडा को। उसकी मदर जो है उसको बार बार हैमरिंग करती रहती है, इसलिए वो चाहती है कि एक ऐसा एम्ब्रॉल्ड सी हो रिलैक्स्ड, जहाँ पर वो खुद अकेली ही रहने वाली हो, कोई उसको परेशान करने वाला ना हो। ओके, कम टू द थर्ड स्टैंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा, तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया? तुमने अपना रूम अच्छे से क्लीन किया, साफ किया? अमांडा, मैं ऐसा सोच रही थी कि मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ क्लीन करने के लिए बोला था, यानी कि तुमने अपने शूज़ जो है वो अच्छे से क्लीन किए। अमांडा, यानी उसकी मदर जो है वो उसको पूछ रही है कि जितने जितने काम बता दिए थे वो कर लिए? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। क्या बोल रही है कि काश मैं अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग यानी इधर से उधर रखड़ना, और एमलेसली इधर से उधर होना, मैं स्ट्रीट पर इधर से उधर रखड़ रही हूँ, घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, और क्या कर रही हूँ मैं, अपने पैर से, अपने जो बैर फिट है जिसमें मैंने कुछ भी शू फुटवेयर कुछ भी नहीं पहने, उससे मैं सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न बना रही हूँ। ओके, एंड द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस कैसा होता है? हमेशा गोल्डन होता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हो तुम। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और हमेशा जो आज़ादी है वो बहुत मीठी होती है। क्या कह रही है यहाँ पर अमांडा, के काश ऐसा होता कि मैं अनाथ होती, इधर उधर घूमती रहती पूरी स्ट्रीट्स पे, और जहाँ मन होता वहाँ पर मेरे बैर फीट से मैं वो डस्ट में, सॉफ्ट जो डस्ट है, धूल है, उसमें पैटर्न बनाती रहती, और जब वो साइलेंस होता वो बहुत ही अच्छा होता, गोल्डन, एंड वो जो फ्रीडम थी वो स्वीट, क्योंकि एमलेसली इधर उधर होना, स्ट्रीट पर रोमिंग करना, वो एक फ्रीडम है, इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रीडम। ओके, सो यहाँ पर अमांडा है ना, अपने आप को बहुत टाइडी फील करती है, यानी वो बंद गई है इस तरह, उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने टाइड कर दिया है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अमांडा, वो चॉकलेट मत खाना, तुम्हें याद है एक्ने यानी खील, बराबर एक्ने हो जाते हैं तुम जब चॉकलेट खाती हो तो, बराबर। सो विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देख सकती हो जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ? अमांडा, अमांडा को बहुत ज़्यादा यानी रेज है, गुस्सा है, उसकी मदर जो उसे बार बार पिंच करती रहती है, तो वो उसकी मदर जब उसे बोलती है तो वो उनको नहीं देखती, आई कॉन्टेक्ट नहीं करती, इसलिए उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे थे क्या तुम मुझे देखोगी मैं तुमसे जब बात कर रही हूँ तब। I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. क्या बोल रही है कि मैं तो Rapunzel हूँ, Disney Queen, Disney की princess हूँ, Rapunzel जिसके बाल बहुत बड़े थे और डायन ने जिसे एक बड़े टावर में कैद कर लिया था, और फिर वो बाल के बालों जब उसने बाल वो जो विंडो है उसमें से नीचे डाले, तो वहाँ से एक शहजादा चढ़कर आया था उसको लेने के लिए, बट यहाँ पर ये जो रैपेंजल है ना वो कहीं जाना नहीं चाहती। क्या बोलती है? आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो टावर में अगर मुझे पूर दिया जाए, मैं रैपेंजल हूँ और मुझे टावर के अंदर मुझे अगर कैद कर लिया जाए, तो वहाँ की लाइफ बहुत ही काम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल होगी, क्योंकि पूरे टावर में सिर्फ मैं ही हूँ, कोई नहीं होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं मेरा अपने जो बाल है ना, जो वो रैपेंजल ने विंडो से नीचे डाले थे और फिर वो जो शहजादा चढ़कर आया था, तो मैं अपने जो बाल है ना, जो हेयर है ना, वो कभी भी वो विंडो में से डालूंगी नहीं, नीचे कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर रखूंगी तो कोई भी चढ़कर आ जाएगा, तो मैं कभी भी अपने जो हेयर है वो विंडो में से नीचे नहीं जाने दूंगी। स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा, You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda? Sulking, यानी कि
अपसेट होना। हमेशा तुम अपसेट रहती हो अमेंडा, क्यों तुम इतनी मूडी हो अमेंडा? और कोई भी अगर सोचेगा तो क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती, नैक्ड यानी स्कोल्ड करना, डांटते रहना, मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ, कोई भी होगा तो ऐसे समझेगा। उसकी मदर ऐसा बोलती है अमेंडा को, ओके, और लिटरली वो उसको कब से स्कोल्ड कर रही है, पिंच कर रही है। इट्स ओके कि आप अपने बच्चे को कुछ गलत कर रहा है और उसके ऊपर पिंच कर रहे हो, बट बार बार स्कोल्ड करना इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, पेरेंट्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग पेरेंट्स को स्टूडेंट्स है उन्हें भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ नहीं होना चाहिए और पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, ओके। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबिन क्लीन। इसकी जो पोएटिक डिवाइस वगैरह जो है वो मैं बाद में सिखाऊंगी, ओके, अल्लाह हाफिज़।